रहीम। आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ऑफ क्लास प्लान्टसंथ जनरल साइंस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट एंड सेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टुडे वी आर गोइंग सेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स गिच कुल मोड आफ रिप्रोडक्शन पोर अन हजचुअल रिप्रोडक्शन अंस जमीट्स आ मेल बेस व फीमेल ये जो दुनवा गमीट्स इन्वालु गो पडूस एन यू इंडिजल दट टाइप आफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड से मोड आफ रिप्रोडक्शन एज फार एज से मोड आफ रिप्रोडक्शन इज कंस दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉलॉल्व यूनियन ऑफ कैमिट्स वो यहाँ पर दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डज नाट इन्वॉल्व द यूनियन ऑफ गैमिट्स <coughs> यहाँ पर जो नए इंडिविजुअल्स बनते हैं दे आर फॉर्मड और प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन द इंडिविजुअल और प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सिंगल ऐसा एन जी एल ई सिंगल पेरेंट यहां पर दो गैमिट्स की जरूरत नहीं पड़ती है एक ही पेरेंट से हम एक इंडिविजुअल को नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर एग्जांपल एग्जांपल हम लेंगे अगर हम रोज़ प्लांट आर रो ओ एस ई रोज़ प्लांट हम सब सबको पता है रोज़ प्लांट अगर इस पर बनो गुलाब थर ठीक छह गुलाब थर आसान या एवरग्रीन कुल आसान है ठीक हम क्या करते हैं उसकी शाख तराशी करते हैं और उसके किसी कटे हुए शाख को हम किसी जगह ज़मीन में लगाते हैं और वहाँ से वो अपना इंडिविजुअल प्लांट बना लेता है This type of reproduction is called asexual mode of reproduction. Is this okay? rose plants. For example, ashprasasan.

ठीक तो है एथे पोइट छ कि गमला प्लांट्स गमलम गमलम म लगान छ प्लांट्स त का पन बथर बिसत एवन छ छ पेवन जमीन पेस छ बनावा नो प्लांट ठीक है ओ दीज आर ऑल डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो नेक्स्ट लेक्चर्स म करो स्टडी डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन